जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आ रहा है, हरियाणा में सौगातों की बौछार होने लगी है। खास तौर पर अगर बात करें हरियाणा के बुजुर्गों की, तो फिर सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों को भी पेंशन मिलेगी जिनकी आय 3 लाख रुपए सालाना है, जबकि अभी तक तो महज 2 लाख रुपए तक के बुजुर्गों को ही पेंशन मिल रही थी। इस घोषणा को लेकर सीएम के चुनावी मोड के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक तो इनेलो और कांग्रेस बुजुर्गों को लेकर तरह तरह के दावे और वादे कर रही थी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो सीधे सीधे ऐलान ही कर दिया। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया था। बजट के बाद हो जाने पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद विभाग ने भी इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही आपको ये बता दें कि सरकार के इस फैसले से उन लाखों बुजुर्गों को फायदा होगा जो 2 लाख से अधिक आय होने की वजह से बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसके साथ ही बुढ़ापा पेंशन में तकरीबन 11 वर्षों के बाद बदलाव किया गया है। परिवार पहचान पत्र लागू हो जाने के बाद भी आय सीमा से कई बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी। पीपीपी में ये पहले से ही प्रावधान है कि 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद सही लाभार्थियों की पेंशन खुद ब खुद बन जाएगी। इसमें अब आय की सीमा का भी विस्तार कर दिया गया है। गौर करें तो आय सीमा 2 लाख से अधिक होने की वजह से बुजुर्गों की पेंशन कटी, तो विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।